अब तक आपने सुना कि किस प्रकार से केदारनाथ त्रासदी में पूरा अरोड़ा परिवार तहस नहस हो गया। केवल नलिन और चिंटू, ये दो प्राणी ही पूरे परिवार में जीवित बचे। अपने जीवन को बचाते हुए ये दोनों बाप बेटे जंगल की तरफ चल निकले और भूख प्यास और थकान से परेशान होकर चिंटू को एक पेड़ के नीचे लिटाकर नलिन कुछ खाने की व्यवस्था करने के लिए जैसे ही आगे निकला तो उसको एक नेपाली मेट मिला। इसके बाद आगे, तुम तो अकेले हो, हम क्यों बोलते हो? मेट ने पहला प्रश्न पूछा। वो मेरा बेटा, छोटा सा बच्चा, नन्ही सी जान। ना चाहते हुए भी नलिन सुबकने लगा। भैया बचा लो हमें, गिड़गिड़ाते हुए नलिन बोला। ठीक है, करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, पर पैसे लगेंगे। अगर दोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। मेट के मन में लालच के बीज अंकुरित होने लगे थे। पैसे? हाँ पैसे मैं दूंगा, पर हम दोनों को बचा लो, मेरा बाकी पूरा परिवार काल की भेंट चढ़ चुका है। नलिन को वो मेट किसी भगवान से कम नहीं दिख रहा था। 500 रुपए दोगे तो मैं पानी के पास ले चलूंगा, मेट ने जैसे मेन्यू कार्ड की पहली डिश का प्राइस बताया। और अगर अपने आप नहीं चल सकते तो मैं कंधे पर बिठा कर ले जाऊंगा, तो उसके 2000 रुपए अलग से। मेट कमाई का यह सुनहरा अवसर गंवाना नहीं चाहता था। मुझे कंधे पर ले चलो, चल तो मैं नहीं पाऊंगा। नलिन ने जब उसके ऑफर पर ध्यान दिया तो इस परिस्थिति में उसे यही उचित लगा। तुम मुझे पहले पैसे दे दो तो ही मैं चलूंगा। ऐसा लगता था कि वो मेट नेगोशिएशन का मास्टर था। नलिन ने 2500 रुपए मेट के हाथ में थमा दिए तो गीले नोट को देखकर पहले तो मेट थोड़ा झुंझलाया और बोला, लगता है बारिश ने बहुत भीग लिए हो, चलो कोई नहीं, घर जाकर इन्हें सुखाना भी पड़ेगा। और नलिन को दया करके कंधे पर बिठा लिया और चलने लगा। मेरे बच्चे के पीने के लिए पानी कैसे ला सकते हैं? क्या कोई बोतल का इंतजाम हो सकता है? नलिन को चिंटू को साथ ले जाने से बेहतर लगा कि उसके लिए पानी ले जाया जाए, क्योंकि उस मेट के लिए भी दोनों को साथ लेकर चलना मुश्किल ही होता। और अपने मासूम से बच्चे को किसी अनजान के साथ भेजने से बेहतर जो उसे इस समय लगा वही उसने किया। बोतल का इंतजाम भी हो जाएगा, पर उसके 200 रुपए लूंगा। नलिन के पास उसकी एक एक शर्त मानने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। कोई बात नहीं भैया, एक बार में बता दो, पानी लाने, कुछ खाने का इंतजाम करने और उसके बाद हम दोनों को सड़क तक छोड़ने का कितना पैसा लोगे? नलिन ने सीधे सीधे उस मेट को मैसेज दे दिया कि पूरी डील का एक पैकेज बता दो। मानने के सिवाय नलिन के पास कोई और उपाय था भी नहीं। उसने सोचा कि पानी पीकर और कुछ खाकर उसके अंदर भी थोड़ी ताकत आ जाएगी तो वो मेट चिंटू को कंधे पर ले चलेगा और नलिन अपने आप पैदल सड़क तक साथ चल देगा। देखो साहब, आपने पानी तक कंधे पर जाने के पैसे तो दे ही दिए हैं, अब बेईमानी तुम्हारे खून में है नहीं कि झूठ बोलकर पैसा कमाए। मेट ने थोड़ा लिहाज दिखाया। पानी की बोतल के 200, वहां से परचून की दुकान तक जाने के 500 लगा लो और उस दुकान से आपके बेटे के पास वापस आने के 1000 रुपए और फिर आप दोनों को सड़क तक छोड़ने के 2000 रुपए, बस इतने ही। मेट ने पूरा हिसाब ही नलिन को समझा दिया। नलिन ने भी उसके बताए पूरे हिसाब को कैलकुलेट करके 3700 रुपए भी उसको दे दिए और बस इतना ही कहा, भैया बस अब जल्दी कर दो ये पूरा काम। नलिन को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ पा रहा था, वो तो अब जल्दी से जल्दी अपने बेटे के पास पहुंचकर उसे लेकर वापस जाना ही चाहता था। जो भी उसके पास बचा था कम से कम उसको तो सहजना चाह रहा था। नलिन अपने भावों को समेट रहा था और वो मेट अपने। हाँ, दोनों के भाव अलग अलग थे, परंतु विडंबना ये थी कि इस समय दोनों के भाव आपस में जुड़े हुए थे। जहां नलिन को अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए इस मेट की आवश्यकता थी, वहीं पैसे कमाने के लिए मेट को नलिन की। दोनों अपना अपना भाव लिए हुए थे। पानी पीने के बाद नलिन ने मेट के बैग से निकली गंदी सी पुरानी पिचकी हुई पिस्लरी की बोतल में जल स्रोत से चिंटू के लिए पानी भर लिया। परचून की दुकान पर जाकर उसे केवल पार्ले जी के बिस्किट ही मिल पाए तो उसने 100-100 रुपए के 5 छोटे पैकेट खरीद लिए। और जब वो मेट के पास पहुंचा तो मेट अपना टिफिन खोलकर घर की बनी बीन्स की सब्जी और रोटी खा रहा था। चाहकर भी नलिन उसको बोल नहीं पाया कि जल्दी चलो। इस समय तो जैसे वो पूरे तरीके से
इस मेट के रहम करम पर ही था। उसने भी एक पैकेट खोलकर एक दो बिस्कुट ही खाए थे कि अपने भूखे प्यासे बेटे का वो चेहरा जो नलिन ने उसको छोड़कर जाते हुए देखा था उसकी आंखों के सामने तैर गया, तो उसकी आंखें छलक उठी और अगला बिस्किट उसे गले में उतरा ही नहीं। थोड़ी देर बाद भरपेट खाकर और हाथ धोकर जब वो मेट नलिन को लेकर चलने लगा, तब उसने बोला, अरे साहब, शुक्र मनाओ कि मैं उस रास्ते पर जाता हुआ आपको मिल गया, वरना भटकते रहते आप ऐसे ही। उस रास्ते पर कोई आसानी से जाता नहीं है। मेट ने नलिन को अच्छे से समझा दिया कि वो कितना लकी है। बस यहां से थोड़ा लेफ्ट में चलो, वहीं मैं अपने जिगर के टुकड़े को छोड़कर आया था। मेट ने जैसे ही उन दोनों की मुलाकात की जगह पहुंचाया तो नलिन खुशी से सरोबार हो गया। अपने बेटे को पानी पिलाने और बिस्किट खिलाने के बाद उसे खिले चेहरे को देखने का लोभ संवरण वो नहीं कर पा रहा था। वो रहा मेरा चिंटू, मेरा बेटा, मेट के कंधे से कूद कर भागता हुआ नलिन चिंटू के पास पहुंचा। अपने पिता को अपने पास देखकर चिंटू की अधखुली आंखें टिमटिमाई और निश्चल सी मुस्कान के साथ उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया तो नलिन ने जल्दी से पानी की बोतल का ढक्कन खोलते हुए जैसे ही अपने लाडले का सर अपनी गोदी में रखकर उसको पानी पिलाना चाहा तो चिंटू का शरीर एक तरफ को लुढ़क गया। चिंटू, चिंटू, मेरे बेटे चिंटू, चिंटू। नलिन ने नन्हे से हाथ को उठाकर अपने कांपते हाथों में जैसे ही पकड़ा तो मुलायम से हाथ की छोटी छोटी कोमल उंगलियां उसके हाथ से फिसल गई। चिंटू की थोड़ी खुली पलकों पर छलकी हुई अंतिम खुशी अभी भी टपक रही थी। अपने पिता के अपने समीप होने का एहसास जैसे उस नन्ही जान को सुकून दे रहा हो। बेटा देख, पापा पानी लाए हैं, बेटा बिस्किट खा ले, बेटा सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे उठ, चिंटू, चिंटू उठ बेटा, पापा सब ठीक कर देंगे, सुन ना बेटा, सुन। नलिन अब हड़बड़ाने लगा था। उसने जल्दी जल्दी बिस्किट के पैकेट फाड़े और चिंटू के निर्जीव शरीर को खिलाने का असफल प्रयास करने लगा। साथ में खड़ा हुआ मेट थोड़ी तेज बारिश होने पर पॉलीथीन की बनाई रेनकोट से अपने को ढककर ये सब देख रहा था और नलिन अपने होशोहवास खोकर तेज तेज चिल्ला रहा था, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, मैं अगर पैदल चल लेता और चिंटू को भी अपने साथ ले जाता तो ये ना हुआ होता। उसके मन में कई भाव आए जा रहे थे। मैं बचा सकता था, कम से कम चिंटू को तो मैं बचा सकता था। अपना माथा पकड़कर वो जैसे पागल हुआ जा रहा था। मेट के अपने भाव चल रहे थे। उसने मन ही मन कैलकुलेशन शुरू कर दी, बच्चे के अंतिम संस्कार का इंतजाम करवाने और बाकी के काम कांड के वो कितने और कमा सकता है। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे।